नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल एडप्रोटेक में। दोस्तों, कई लोग ट्विटर पे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट, जैसे कि हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं, इसका शेयर प्राइस अचानक से क्यों नीचे गिर रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि टेक्निकली देखें या फंडामेंटली दोनों तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो कई सालों से अच्छे चल रहे परफॉर्म कर रहे थे, आज ही उसमें सडन फॉल क्यों आया? ये सडन फॉल 18 मई से आया है। इसके पीछे इसका मेन रीजन है, इसके प्रमोटर राधाकृष्ण धवानी ने अनाउंस किया है कि वो 1% स्टैक एवेन्यू सुपरमार्ट का ओपन मार्केट में सेल करेंगे। क्यों उन्होंने ऐसा अनाउंस किया? टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, जो सेबी के द्वारा बनाया हुआ है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। इसके अंतर्गत एवरी लिस्टेड फर्म के को मेंटेन करना है कि उनके जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है एटलीस्ट 25% होना चाहिए। मतलब प्रमोटर्स अब 75% से ज़्यादा स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते। तो और ये उन्होंने एक डेडलाइन दे दिया कि 21 अगस्त 2018 तक उन्हें ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। तो अगर वो अपना 1% स्टैक्स, जो कि होता है 62 लाख शेयर्स, अगर वो अभी ओपन मार्केट में बेचे तो ये लगभग 888 करोड़ का होगा। और जो उन्होंने अनाउंस किया है कि जो शेयर को सेल करेंगे ओपन मार्केट में, उन्होंने उसका डेट भी अनाउंस कर दिया है कि वो मई 21 से जून 14 के बीच में करेंगे, या ये एक्चुअल डेट हो सकता है कि जून 14 से पहले भी हो जाए, जब उनका 62 लाख शेयर सेल कर देंगे तो उससे पहले भी इनका कंप्लीट हो सकता है। अब जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, अब वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि इसमें क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी शेयर प्राइस का फॉल हुआ है, ये इसी न्यूज़ के कारण हुआ है, क्योंकि वो 62 लाख शेयर सेल कर रहे हैं। और इसके बाद चूँकि ये शेयर ऐसा फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और हर इन्वेस्टर इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होगा कि ये उनको एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसे इसे जरूर बाई करेंगे, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो अच्छा होगा कि आप 14 जून तक या जब तक उनके 62 लाख शेयर सेल ना हो जाते हैं तब तक आप मार्केट से दूर रहें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आपके लिए बहुत ही अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस पे प्राइस शेयर मिल रही है। इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो में रखने वाली शेयर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो आपको लाइक करने में, शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं इसी तरह से वीडियो आपको लाता रहूँगा, एनालिसिस करता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।